हाय वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस स्टडी। दिस इज आकाश कुमार। तो हमने पिछले वीडियो से एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था पूरा। तो आज से हमारा ये टॉपिक शुरू होने जा रहा है जो कि हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसी तरीके से मैग्नेट भी जो है हमारा अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसके कारण मतलब उसकी जो सीमा रहती है, क्षेत्र रहती है, वो एक फील्ड क्रिएट करता है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो वो जाके उसे पढ़ लें और फिर उसके बाद ये चैप्टर पढ़े तो और अच्छी तरीके से आप लोगों को कनेक्ट हो पाएगा। तो हम लोग देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, आखिरकार हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हम लोग एक पॉलिटिकल साइंस एग्जांपल लेते हैं, जैसे कहीं भी कोई क्षेत्र का विधायक होता है तो उसका क्या होता है कि उस क्षेत्र में एक क्षेत्र तक उसकी पावर सीमित रहती है, वो उसका क्या बोलता है सारा काम करने का सीमा वहां तक सीमित रहता है। तो इसी तरीके से मैग्नेट जब भी हम लोग कहीं प्लेस मैग्नेट रखते हैं तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और उसका उस मैग्नेटिक फील्ड तक ही पावर रहता है या ताकत का जो भी आप लोगों को हलचल या असर देखने को मिलेगा उसी फील्ड के अंदर मिलेगा। आप लोगों ने ये सुना भी होगा ज्यादातर फिल्मों में कि इस हीरो का इलाका आया हुआ, तो आप लोग एग्जाम्पल को समझिएगा, ध्यान मत लगाइएगा फिल्मों पे। तो एग्जाम्पल से रिलेट कीजिए कि जिस तरीके से किसी का एक फिक्स तारा और एक फिक्स बाउंड्री रहता है उसी तरीके से मैग्नेट भी अपना, जहां हम लोग जैसे ये हमारा बार मैग्नेट है जो कि मैंने हम लोग पिछले वीडियो में बताया था एक कॉमन मैग्नेट है यूज माता है। तो ये इसका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो यहाँ से वहां हुआ फिर ये हुआ फिर ये, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिख गया। अब अगर हम लोग इसके इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में क्या होता है जब हम आयरन फाइलिंग रखेंगे तो वो क्या करेगा कुछ असर दिखाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार अरेंज होना चालू हो जाएगा। तो इसे तो इसलिए यहाँ दिया हुआ है स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, मैग्नेट के सराउंड में जो स्पेस उसके द्वारा क्या होता है उसके फोर्स के द्वारा कवर किया जाता है उसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इसे हम लोग एक एक्टिविटी से भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट धरा हुआ है, अगर आप लोग रियल में भी ले सकते हैं तो मैग्नेट अगर हम उसके आसपास कंपास लेके आएंगे तो कंपास क्या रिएक्ट करेगा क्योंकि वहां एक फील्ड है, वहां फोर्स लगाया जा रहा है, मैग्नेट के द्वारा एक फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा है, उस फोर्स के कारण क्या अगर मैग्नेट की नीडल रिएक्ट करेगी और घूमेगी तो हमें इससे यह पता चलता है कि मैग्नेट भी क्या होता है अपने सराउंडिंग अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। और दूसरा हमारा इसका एग्जांपल है इसे देखने के लिए कि हम लोग आयरन फाइलिंग्स को रख देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अरेंज में मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसा उसका उस टाइप का अरेंज होना चालू हो जाएगा। फिर हमारा द मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अब मैग्नीट्यूड से हमारा यहाँ क्या मतलब है, तो मैग्नीट्यूड का बेसिकली मतलब यह है कि उसके पास ताकत भी है और उसके पास दिशा भी है। अब मैं आप लोगों को इसे समझाता हूँ। जैसे ये एक मैग्नेट है तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ इस फील्ड के अंदर कोई भी जैसे कि कंपास रखेंगे या आयरन फाइलिंग्स रखेंगे तो क्या वो अपने फोर्स को दिखाएगा और उस फोर्स के कारण क्या होगा वो आयरन फाइलिंग्स और जो कंपास है वो और रिएक्ट करना होगा, रिएक्ट करना चालू होगा। तो इसके पास मैग्नेट के पास अपना ताकत भी है, फोर्स भी है, मैग्नीट्यूड का मतलब वही हुआ हमारा इसके पास फोर्स भी है। अब फिर दूसरा जो हमारा डायरेक्शन, तो इसका कोई इधर उधर नहीं है, यहाँ मैग्नेट रखे यहाँ तक नहीं है वहां तक तो नहीं है, इसका जाएगा फिर डायरेक्शन में है, डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वही है कि मैग्नीट्यूड भी होता है उसके पास और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड किस तरीके से देख लिया और डायरेक्शन तो हम लोग आप लोगों को यहाँ फिगर में दिख रहा ही होगा। फिर हमारा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, जैसे ये पॉइंट है इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अब इसे आप बोलेंगे इस लाइन को बहुत पेचीदा लिखा हुआ है, मैं आप लोग को इसे एक सरल भाषा में समझाता हूँ। तो जैसा कि मान लीजिए ये हमारा अर्थ है ठीक, अब हम लोगों ने इसका हाइपोथेटिकल जो है हमारा निर्देश या इधर हम लोग नॉर्थ मान लेते हैं ठीक, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो
हाइपोथेटिकल का मतलब बेसिकली यह होता है कि हम लोग किस तरीके अपने मन से माने हैं। तो जब भी हम क्या बोलते हैं मैग्नेट पे वो अर्थ के इस साइड जैसे नॉर्थ है अब अर्थ के नॉर्थ की साइड लेके जाएंगे तो क्या करेगा रिपेल करेगा, क्योंकि सेम पोल कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते वो हमेशा रिपेल करते हैं। तो इससे भी हमें यह पता चल जाएगा कि अर्थ का नॉर्थ किस साइड है अर्थ का साउथ किस साइड है, इससे भी हम लोग डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। तो इस पूरे लाइन का यही मतलब है, बस थोड़ा पेचीदा ढंग से लिख दिया गया था आप लोग को समझ में आ गया। फिर हमारा है द नॉर्थ एंड ऑफ कंपास इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट वेयर इट इज प्लेस। अब जैसे कि ये कंपास हमारा बना हुआ है ठीक, इसकी दो सुई होती है एक नॉर्थ एक ऐसे रहता है, इसे मैं निकाल देता हूँ जैसे ऐसे रहता है ये। तो अगर आप हम लोग इसे क्या बोलता है कहीं से भी लेके जाएंगे तो सबसे पहले इसका एंड में रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिएक्ट करेगा क्योंकि अब जैसे ये पॉइंट अब हम यहाँ मैग्नेट के पास ले गए तो ये इस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो यहाँ वही बोला द नॉर्थ एंड ऑफ कंपास इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ प्लेस करेंगे मैं इसको पॉइंट वेयर इट इज प्लेस्ड, जहाँ ये प्लेस है वहां से हम लोग इसके डायरेक्शन को पता कर सकते कंपास कंपास के द्वारा भी। तो ये हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पूरे टॉपिक को पढ़ दिया। अब जैसे एक जनरली क्वेश्चन आता है हमारा हाउ डू द मैग्नेटिक फील्ड चेक, हम किसी मैग्नेट के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेक कर सकते हैं। पहला तो हमारा वही हो गया कंपास वाला तरीका, जहां लोग कंपास प्लेस करके देखेंगे जहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड जाएगा या कंपास इंडिकेट करेगा वहां तक उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब दूसरा हमारा ये होता है जैसे हम लोगों ने एक पेपर ले लिया या A4 साइज जो पेपर आता है चार्ट पेपर, उसके ऊपर क्या किया बहुत सारे आयरन फाइलिंग्स को रख दिया। अब उस पेपर के नीचे हम लोगों ने मैग्नेट रख दिया, अब वो मैग्नेट क्या करेगा ना जैसे यह पेपर एक इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे आयरन फाइलिंग्स को जैसे तैसे बिछा दिया। अब जब हम इसके अंदर में मैग्नेट को रखेंगे इसके नीचे में तो वो क्या करेगा अपनी मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण क्या होगा कि धीरे धीरे अरेंज होना शुरू होंगे। अब उस अरेंजमेंट से हमें यह पता चल जाएगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक है। तो आप ये एक्टिविटी करके इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ज्यादा ज्यादा दो एक्टिविटी कर दीजिएगा तो और अच्छा होगा। अब वो कितने नंबर का क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का पूरा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो इस वीडियो से हमारा चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल फोकस स्टडीज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।